खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य खबरों। मेहर भीम आर्मी भारत एकता मिशन की बैठक वन मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे प्रदेश के सचिव सिद्धार्थ नालंदा। उन्होंने बताया कि आज रेस्ट हाउस मेहर में बैठक का आयोजन इस विषय को लेकर रहा कि भीमार्थी भारत एकता मिशन संगठन की सदस्यता अभियान जोरों से चलाया जा रहा है और धीमी गति को तेजी से बढ़ाना है, इसलिए बैठक आयोजन किया गया। हाल ही में मीडिया ने पूछे सवाल की भीम आर्मी किन किन मुद्दों में सफलता की भागीदारी ली है। सिद्धार्थ नालंदा प्रदेश सचिव ने बताया कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनमें सफलताएं मिली हैं। भीम आर्मी लगातार शोषित लाचार भ्रष्टाचार के मुद्दों में प्रदर्शन लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। भीम आर्मी गरीबों के हक की लड़ाई लड़ती है। मौजूदा संभागीय अध्यक्ष संजीत चौधरी, नगर अध्यक्ष सुजीत वर्मा, विधानसभा अध्यक्ष राघवेंद्र अहिरवार, मेयर जिला सचिव विक्रम सूर्यवंशी आदि मौजूद रहे। सबसे पहले तो जय भीम। आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन के 9वें स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन, जो कि बहुजन समाज का पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा बहुजन समाज का संगठन है जो बहुजनों पर सभी अन्याय अत्याचार पर सर्वप्रथम न्याय की आवाज़ को बुलंद करता है, और इसके साथ ही बहुजन समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और लगातार ही भीम आर्मी के एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी के द्वारा जिस प्रकार से मेहनत लगातार की जा रही है, उसी का ही ये परिणाम है कि आज भीम आर्मी के बब्बर शेर, भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी नगीना लोकसभा से प्रचंड बहुमत से लोकसभा पहुँचे हैं। इसके साथ ही भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी के आदेशानुसार आज़ाद समाज पार्टी की, जो उन्होंने तय किया है कि 5 लाख सदस्यता आज़ाद समाज पार्टी के को की करानी है, तो आज हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ली है। और इसके साथ ही आगे चलकर आगामी चुनाव में जो है तो अधिक से अधिक भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी युवाओं को जो है कि आबादी की ज़मीन से बेदखल करने के मामला हो, चाहे शासकीय स्कूलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले हो, या चाहे अनुसूचित जाति जनजाति के ज़मीन पर जो है तो दबंगों द्वारा कब्जा करने का मामला हो, या जो है तो पहाड़ों पर जो है तो अनुसूचित जाति जनजाति की घरों को गिराकर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का मामला हो, तो ये तमाम जो है तो जो लगातार अन्याय अत्याचार की घटनाएं हो, तो उस पर जो है अंकुश लगाने के लिए ही भीम आर्मी का निर्माण हुआ और लगातार इस दिशा पे हमारी भीम आर्मी कार्य कर रही है। लगातार भीम आर्मी मुद्दे उठाती रही, लेकिन निर्णय जो है क्या क्या निर्णय है? निर्णय हमेशा जनता के पक्ष में रहे हैं और समाज के पक्ष में रहे हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का लगातार जनाधार बढ़ता जा रहा है। एक दो मुद्दों की सफलताओं के विषय में बताएं क्या क्या। जैसे आप लोगों को विदित हो कि जैसे ही भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा, जैसे ही यदि मैहर जिले ही नहीं बल्कि विंध्य क्षेत्र के किसी भी जिलों में यदि कहीं भी कोई अन्याय अत्याचार या उत्पीड़न की घटना होती है, तो सर्वप्रथम पहुँच के जो है तो भीम आर्मी न्याय की आवाज़ को बुलंद करने का काम करती है। आपको विदित हो कि अभी पिछले वर्ष ही बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी गई थी, जिस पर जो है तो प्रशासन ने जो है तो एक हफ्ते से ज़्यादा समय लेने का जो है तो आश्वासन दिया था, उसके बाद भी एक हफ्ते पूरे होने के बाद भी प्रतिमा नहीं रखी गई थी, लेकिन जब भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने घंटा घर में चक्का जाम किया, तब जाके जो है तो सम्मानित साथियों तत्काल बाबा साहब की प्रतिमा को लगाने का कार्य किया गया। और इतना ही नहीं सम्मानित साथियों, यहाँ तक कि जो आदिवासी महिला के साथ जो सामूहिक रूप से बलात्कार हुआ था कंचनपुर में, तो उस पर भी जो है तो भीम आर्मी ने जो है तो न्याय की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। और जरियारी ग्राम पंचायत में भी जिन दबंगों ने शासकीय अराजी पर बने जो है तो अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को घर गिराने का काम किया था, तो उस पर भी जो है तो भीम आर्मी ने जो है। मेयर से खबर समय जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।